पाकिस्तान के अंदर जो मशहूर कार्टून हैं वो भी एहतजाज करने पर मजबूर होकर, समझ में नहीं आती वजह क्या है, तो हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त डोनाल्ड डक, जोकर और कंग फू पांडा। आप तीनों एहतजाज करो, पहले एहतजाज कर क्यों रहो? ये कह रहे हैं कि एहतजाज करें आप, असल आवाज़ से बताओ एहतजाज की वजह क्या बनी है आप लोगों के? हमारी एहतजाज की वजह ये है कि हम आजकल जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं। हम इसी तरह जो पार्क में लोगों को हंसाया करते थे, लेकिन आज हम जो है इस प्रेस क्लब के आगे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा जो रोज़गार है वो बहाल किया जाए। शुक्रिया। देखिए ये एहतजाज कर रहे हैं डोनाल्ड डक, और ये लोगों को हंसाते थे, आज खुद गम की तस्वीर बने हुए हैं, लेकिन अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एंटरटेन कर सके। जोकर बड़ा एक ऐसा किरदार है ना यार, कहीं भी किसी माशरे में होता बड़ा उदास है लेकिन लोगों को बड़ा हंसाता है जी। तो लोगों को हंसाते थे, खुशी मिलती थी, यानी बच्चे आते थे वहाँ पर, क्या होता था, क्या करते थे वहाँ पर? वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते थे, उसमें बड़े लोग भी आते थे, मतलब सब किस्म के लोग आते थे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा होता था वहाँ पे। मन खुश करना, उनको डांस करके दिखाना, जगलिंग करके दिखाना, उनके बच्चे सब खुश हो जाते थे। और बड़ी अच्छी पार्क थी हमारी, वहाँ पे गरीब तबके के लोग भी आते थे, लेकिन अब जो बंद हो गई तो हम खुद बेरोजगार हो गए। पवेलियन एंड क्लब से तुम्हें बहुत परेशानी हो गई बंद होने से, तो अब पता नहीं है कि अगली तनख्वाह पे बच्चों को क्या खिलाओगे इस वक्त? अगली कोई पता नहीं, बस मना कर दिया कि अगली तनख्वाह पे। देखिए इसकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं ना, ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि यकीनन देखिए बहुत सारी चीज़ें नाजायज़ हो सकती हैं, लेकिन लोगों का जो रोज़गार छीनता है ना वो बड़ा तकलीफ दे होता है। क्या क्या करके दिखाते थे आप पवेलियन में लोगों को? थोड़ा दिखाया, डांस करके दिखाता था, और क्या बोलते, डांस करते, थोड़ा करो कुछ, क्या क्या करते थे बताओ? डांस करके दिखाता था वहाँ पे बच्चों को, मतलब वहाँ पे जगलिंग भी करता था वहाँ पे बच्चों के लिए, बहुत अच्छा कुछ करता था। लेकिन अब बेरोजगार, ये इंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब अगर आपकी आंखों में जूम करके देखेंगे ना तो पानी आंखों में, अश्क भरी आंखें। ये कि इनका भी मुतालबा है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। आखिर में हमारे साथ कंग फू पांडा, जिसने बड़ा ही मुझे एंटरटेन किया है, मुझे तो सबसे अच्छी फिल्मों में से एक कंग फू पांडा। ये बताओ कि आप कब से कंग फू पांडा थे, कब से काम कर रहे थे पवेलियन एंड में, और क्या हुआ है, मतलब बंद हो गया बिल्कुल? हमें 4 साल हो गए हैं काम करते हुए क्लब में, और अभी तो बंद हो गया है। इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और हमारे घर के चूल्हे समझ लो जलते हुए इन्होंने बुझा दिए हैं। अब कुछ ना कुछ किया जाए, यही गुजारिश है हमारी। ये देखें, ये वही कह रहे हैं कि जो चलते हुए चूल्हे थे वो बुझ गए, और ये प्ले कार्ड्स लेकर गुज़िश्ता 2 दिन से प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, और फरियाद ले रहे हैं, कर रहे हैं कि उन तमाम हुकाम बाला से कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। पवेलियन एंड के अंदर बहुत सारे मसाइल होंगे, मैं उनकी कोई हिमायत नहीं कर रहा, मगर ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनके लिए कुछ रोज़गार का मुतबादल इंतज़ाम कर देना, तब भी हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ कुछ अच्छा इकदाम हुआ। मगर ये बेचारे बहुत परेशान हैं, तो हम सबको सोचना चाहिए, आज इन्होंने ऑपरेशन किया उनको भी सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Sam Pavilion, 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 Sam Pavilion,